डायबिटीज यानी मधुमेह, जिसे हम बोलचाल की भाषा में शक्कर की बीमारी भी कहते हैं, इसके रोगियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हम इसे कई बार कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या डिसीज। तो लाइफस्टाइल में आखिर ऐसी क्या गड़बड़ हो रही है कि जिसके कारण ये डिसऑर्डर या डिसीज बढ़ रहा है? और जहाँ लाइफस्टाइल की बात आती है, वहाँ आयुर्वेद की बात तो होनी ही चाहिए। आयुर्वेद ने मधुमेह के बारे में बहुत डिटेल में पूरी जानकारी दी हुई है। और आयुर्वेद की सबसे खासियत है जो बड़ी, वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब वो आपको कारण पहले बताते हैं कोई भी तकलीफ होने के, और कहते हैं कि उन कारणों से बचिए तो वो तकलीफ आपको होगी नहीं, और अगर किसी कारण से वो तकलीफ हो भी गई आपको तो फिर उसके लिए क्या इलाज है वो भी ये बताते हैं जरूर। तो जो मधुमेह की बीमारी है उसके बारे में आयुर्वेद जब बताते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने तीनों जो प्रकृति है, वात पित्त और कफ, उसके हिसाब से उन्होंने पूरे डिसीज का वर्णन किया हुआ है। तो प्रकृति के हिसाब से इसमें आप देखिए तकलीफें अलग अलग उन्होंने बताई है, उनके कारण अलग बताए हैं। तो आज के दौर को ख्याल में रखते हुए मैंने एक काम किया है, इन तीनों प्रकृति के हिसाब से जो कारण उन्होंने बताए हैं और जो मुझे आज दिख रहा है कि आज की जनरेशन गलतियां कर रही है, उनको मैंने कंपाइल किया है। तो उन सब कारणों से अगर हम बचे रहेंगे तो शायद ये डायबिटीज जो अभी छोटे छोटे बच्चों में या युवाओं में भी दिखने लग गया है, शायद हम उसका जो प्रमाण है वो कम कर सके इस सोसाइटी में। तो आइए जानते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से मुख्य कारण कौन कौन से हैं जिनके कारण डायबिटीज हो सकता है। पहला सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज होने का, वो है बैठे रहने की आदत। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, रेगुलर आपके बैठे रहने का जॉब है, जैसे आजकल के केस में हम देखें तो सिडेंट्री जॉब बहुत लोगों का होता है कि सुबह 10 बजे जो ऑफिस में जाते हैं शाम को 6-6:30 तक ऑफिस की कुर्सी पर ही जमे रहते हैं। इसीलिए इसको कई बार धनवानों का रोग भी कहा जाता है, क्योंकि धनवान लोग जो होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करना नहीं पड़ता है। तो जिन लोगों के भी फिजिकल वर्क बहुत कम रहता है उन लोगों को डायबिटीज होने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इससे बचे रहने के लिए क्या कर सकते हैं, तो रोज सुबह 30 मिनट के लिए वॉक पर जाना, ये आपको डायबिटीज से चार हाथ दूर रख सकता है। दूसरा कारण जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है आयुर्वेद ने बताया हुआ, वो है गलत तरीके से नींद लेना, या तो रात को बहुत देर से सोना या दोपहर को सो जाना। आजकल की तो जनरेशन बहुत कूल है, काम के लिए भी हम सब लोग जब जाते हैं तो रात को 12-1 बजना एकदम कॉमन बात है। और उसके कारण होता है क्या, नींद पूरी नहीं हुई तो रात को देर से सोए इसलिए सुबह भी लेट उठते हैं, और अगर सुबह उठ के काम पे जाना ही पड़ा और वीकेंड को टाइम मिल गया तो दोपहर को सो भी लेते हैं। तो ये सब चीजें गलत हैं, इन सबसे हमारे शरीर की अग्नि जो है उसका काम चूकने लगता है, और एक बार चूक होना शुरू हो गई तो वो डायबिटीज में कब चेंज हो जाएगा मालूम नहीं। तो रात को 10-10:30 तक सोना और सुबह 5:30-6 बजे तक उठना, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होता है। तो जहां तक जमे आपका जो स्लीपिंग स्केड्यूल है वो वैसा का वैसा ही रखिए। बहुत ज्यादा लेट सोना, बहुत देर से उठना या दोपहर के वक्त नींद निकालना, ये सभी चीजों से आपको डायबिटीज होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट शायद आज की जनरेशन के लिए जो कारण मुझे लगता है वो है कि खाने में बहुत ज्यादा ठंडी चीजें रखना। आज हम लोग जब भी बाहर खाना खाते हैं तो साथ में कोल्ड ड्रिंक होते ही हैं, साथ में बॉटल कैरी नहीं करना है इसलिए या तो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या जो पानी की बोतल लेंगे वो ठंडी ले लेते हैं। तो ठंडी चीजें पीना ये आजकल की जनरेशन को बहुत आम हो गया है। तो जहां तक जमे प्लीज ठंडे पेय जो है या ठंडा पानी जो है वो कम पिया कीजिए। साथ ही में पचने को जो बहुत भारी चीजें होती है, जैसे उड़द हो गया, राजमा हो गया या फर्मेंटेड चीजें हो गई, जैसे पाव है, डोसा है, इडली है, ब्रेड है, या उसी के साथ साथ जो फ्रीजर में रखी हुई चीजें होती है, मतलब फ्रोजन चीजें कि जो आपको पचने के लिए भारी पड़ सकती है। साथ ही हम आजकल देखते हैं कि शेल्फ पे बहुत सारी चीजें होती है जिनका शेल्फ लाइफ 6 महीने, साल भर वगैरह भी रहता है। आप बाजार में जाएंगे तो फ्रोजन पैकेट्स मिलते हैं, जो रोटी घर पे ताजे मिल सकती है लोग जाके फ्रोजन पैकेट उठाकर लाते हैं और उसको माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं। तो इस तरह की जो गलतियां हम खाने में करते हैं उस सबसे हमारा पचन बिगड़ता है, और पचन बिगड़ेगा तो डायबिटीज होने की संभावनाएं वापस बढ़ जाती है। तो इसे कम करने के लिए क्या करें, इस रिस्क को अगर कम करना हो तो याद रखिए कि हमें घर का बनाया हुआ ताजा, गरम और स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना जो है वो खाना बहुत जरूरी है।
खाने से ही जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण कारण है, वो है एक के बाद एक खाना खाते रहना। मतलब पहले का खाया हुआ जो खाना है वो पचने के पहले ही आप अगर वापस कुछ खा लेते हैं तो उससे भी हमारी पचन अग्नि जो है वो खराब हो जाती है। अभी देखिए, हमें कई बार लगता है कि रात को खाना खा के घर से बाहर निकले हैं, सब लोग कहते हैं कि चलो आइसक्रीम हो जाए। अभी आइसक्रीम खाने के बाद हमको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत हल्की चीज थी, क्या हुआ, मेल्ट होके निकल गई पेट में। पर आपके शरीर के अंदर जो सिग्नल जाता है वो ये जाता है कि पहले तो पेट भर के खाना खाया था और उसके बाद अभी एक तो ये ठंडी और वापस कुछ चीज शरीर के अंदर आई है। हमें समझ में नहीं आता है कि इंसुलिन साइकिल जो हमारे शरीर में चल रही है ना, उसको बार बार हम लोग सिग्नल दे रहे हैं कि आ जाओ बाबा पचाने के लिए, आ जाओ बाबा पचाने के लिए। तो ये जो गलत सिग्नल हमारे शरीर के अंदर जाते हैं उससे भी ये इंसुलिन की साइकिल अफेक्ट होके डायबिटीज होने की संभावनाएं वापस बढ़ जाती है। तो हमेशा याद रखिए कि पहले का खाया हुआ खाना जब पूरे तरह से पच जाए उसके बाद ही कोई चीज खाने के लिए आपका मुंह खोलिए। चीज कितनी भी छोटी हो, आपके ब्रेन तक तो आपकी जबान लेकर ही जाने वाली है कि ये अरे इतनी टेस्टी चीज मैंने अभी खाई है तो चलो इसे पचाना शुरू कर दो। तो इसीलिए बीच बीच में खाने की आदत जो है वो बिल्कुल गलत है। एक बार 1 बजे के करीब अगर खाना खाया तो 4.5-5 घंटे के बाद ही वापस खाना ज्यादा बेटर रहता है। और जी हाँ, खाने से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण चीज मालूम है क्या है? रात का हेवी डिनर। हम लोग आज दिन भर घर से बाहर होते हैं, टिफिन में कुछ लेकर जाते हैं, गर्म भी नहीं रहता है, तो शाम को आने के बाद सबको ऐसा लगता है कि अभी मैं ताव मार के खाना खाऊंगा। तो जो भी अच्छी चीज है वो रात को खाने की हमें आजकल आदत हो गई है। रात को एकदम भर पेट खाना खा के और फिर हम लोग सोने जाते हैं। तो हेवी डिनर जो है उसके कारण भी हमारी पचन की साइकिल है वो खराब हो सकती है। तो जहां तक जमे, अगर आपको बहुत अच्छी कोई चीज खाने की इच्छा है तो वो सैटरडे संडे को खाने में रखिए आपके लंच के वक्त, और बाकी जो आपका पूरा सप्ताह भर का खाना है स्पेशली रात का वो एकदम हल्का रखिए। रात को घर आने के बाद थोड़ी खिचड़ी खा ली, सूप खा लिया, फुल्का खा लिया किसी सब्जी के साथ, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। किसी भी प्रकार की जो वैरायटी है खाने की वो रात के वक्त या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना ये बहुत गलत होता है। तो ये ख्याल आपके खाने के बारे में आप जरूर रखिएगा। जीवन में अगर हमेशा स्ट्रेस हो, मानसिक चिंताएं हो, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो, तो उसके कारण भी डायबिटीज होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। या कभी कभार एकाएक कोई बहुत दुखद घटना आपके जीवन में हो जाए तो उसके कारण भी डायबिटीज एकदम आ जाता है। मेरे एक पेशेंट थे, बहुत ज्यादा तो कुछ तकलीफ थी नहीं, थोड़ा अपचन वगैरह था इसलिए दवाइयों के लिए आते थे। उनके पति की अकस्मात मृत्यु हो गई। 2 से 3 महीने के अंदर वो जो थे उनके पूरे बाल सफेद हो गए और 6 महीने के अंदर उनका डायबिटीज पॉजिटिव हो गया। मतलब एकदम शुगर ज्यादा रहने लग गई। तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि सच में आयुर्वेद ने जहां बताया है कि एकदम आघात होना, मतलब मन पे किसी चीज का बहुत ज्यादा परिणाम होना निगेटिव तरीके से, उसके कारण भी हमें डायबिटीज होने की संभावनाएं रहती है। देखिए, अकस्मात होने वाली चीजें तो हमारे हाथ में है नहीं, पर जो रोजमर्रा का स्ट्रेस है वो तो हमारे हाथ में है। तो अगर आपको बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, आपको बहुत ज्यादा उसके कारण ट्रेवल करना पड़ता है, तो इस सबसे हम अगर बचाव करना चाहते हैं तो हमें हीलिंग म्यूजिक सुनना चाहिए। डॉक्टर श्री बालाजी तांबे हैं, वो हमेशा कहते हैं कि अगर आपको जीवन में स्वस्थ रहना है तो किसी प्रकार का स्वास्थ्य संगीत जो है वो हमेशा सुनना चाहिए। अगर कुछ नहीं जमता हो तो कम से कम अगर हम ओमकार का गुंजन रोजाना करते हैं, ओमकार गाते हैं, तो उसका भी हमें बहुत फायदा होता है। अगर खुद होके कुछ करना पॉसिबल नहीं है तो डॉक्टर श्री बालाजी तांबे की जो स्पिरिट ऑफ हार्मनी सीडी है वो अगर आप रोजाना सुन सकेंगे, उसके म्यूजिक की तरफ, उसकी शब्दों की तरफ ध्यान दे सकेंगे, तो ये स्ट्रेस का होने वाला जो परिणाम है उसको आप हमेशा कट ऑफ कर सकेंगे, मतलब उसको आप नलिफाई कर सकेंगे। आजकल हमारा लाइफ बहुत बिजी हो गया है, ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा होती है, कई बार हमें समझ में नहीं आता है पर हमारे नेचुरल अर्जेस को रोक कर रखते हैं। जैसे अगर यूरिन को जाना हो तो हम सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर बाद रुक जाएंगे, कभी टॉयलेट को जाना होता है, सोशली छींकना एक्सेप्टेबल नहीं है तो छींक आ रही हो तो रोक देते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से इस तरह की 13 नेचुरल अर्जेस होती है जिसे प्राकृतिक वेग कहा जाता है या नैसर्गिक आवेग। तो इन आवेगों को अगर हम रोकते हैं तो भी डायबिटीज होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। तो जहां तक जमे इस प्रकार के कोई भी वेग रोकिएगा नहीं। आपको जैसे ही कोई भी वेग आता है उसको इमीडिएट कॉल को अटेंड करना ये बहुत जरूरी है। डायबिटीज के बारे में एक और जो गलतफहमी वो हमें दूर रखनी चाहिए वो है
कि ये केवल खून में शक्कर बढ़ने की बीमारी है। आयुर्वेद के हिसाब से ये शुरुआत भले ही हमें रक्त और मूत्र में दिखाई देती है, पर वो साथ ही साथ हमारी लसिका में, मतलब हमारे लिम्फ में भी प्रॉब्लम होता है उसके कारण, हमारे मांस धातु में, हमारी मज्जा धातु में, हमारी मेद धातु में, सब धातुओं में इसका प्रॉब्लम हमें होते हुए दिखता है। इसलिए आयुर्वेद में इन्हें डायबिटीज का दुष्य बताया गया है, मतलब जिसमें ये दोष जो है वो बढ़ सकता है। तो केवल शक्कर को कम रखना ब्लड में, ये आप एम मत रखिए। बाकी भी जगह पे जो तकलीफें हो रही है डायबिटीज के कारण, वो उसकी तरफ भी ध्यान देना हमें बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपको डायबिटीज ऑलरेडी है तो याद रखिए कि केवल शक्कर कम ज्यादा करने की बजाय संतुलन आयुर्वेद के डॉक्टरों के पास जाकर, अगर आप आपकी प्रकृति के हिसाब से, मतलब वात पित्त कफ किसके कारण ये आपको डायबिटीज हुआ है और कहाँ कहाँ पे इसकी तकलीफ है, ये जानकर अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयां अच्छे से लेंगे, आपकी लाइफस्टाइल ढंग से रखेंगे, तो डायबिटीज के होने वाले जो दुष्परिणाम है शरीर के अंदर, वो आप कम रख सकते हैं। तो आइए साथ ले संतुलन आयुर्वेद का और चले स्वास्थ्य की ओर। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो से जुड़ा अगर कोई सवाल आपके मन में है या कोई नया सवाल है जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। हम जल्द से जल्द आपके उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।